नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जातीय सर्वे के बाद अब बिहार में जातीय सर्वे के आधार पर जातिगत आर्थिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मतलब यूं कहें कि जातिवार बिहार में लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, इसका खुलासा भी हो गया। और जैसे ही ये रिपोर्ट, ये आंकड़ा सामने आया, उसके बाद एक सनसनीखेज बात सामने आई है। बता दें कि बिहार में पिछले 33 साल के इतिहास पर अगर हम गौर करें तो 33 में से 32 साल तक बिहार में ओबीसी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अगर हम जातीय सर्वे के आधार पर आर्थिक डाटा देखें तो हम पाएंगे कि 80% ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग जो है, उसकी मासिक आय 20,000 से कम है। बता दें कि बिहार में 1990 से लेकर 1997 तक लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे। लालू प्रसाद यादव यादव जाति से आते हैं और ये ओबीसी का हिस्सा है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाती है और 1997 से लेकर 2005 तक राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रहती हैं। राबड़ी देवी भी यादव जाति से आती हैं और ये भी ओबीसी वर्ग का ही हिस्सा है। उसके बाद 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं और नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी जाति भी ओबीसी का ही हिस्सा है। इसके बाद कुछ समय तक यानी कि कुछ महीनों तक जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रहते हैं और फिर 2015 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 2023 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। और नीतीश कुमार भी, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि कुर्मी जाति से और कुर्मी भी ओबीसी का हिस्सा है, तो कुल मिलाकर 33 साल के इतिहास पर अगर आप गौर करें तो 32 साल तक बिहार में ओबीसी वर्ग से आने वाले व्यक्ति ने सीएम के तौर पर काम किया है। लेकिन जब आर्थिक डाटा सामने आया तो जग जाहिर हो गया कि बिहार में 32 साल तक शासन करने के बाद भी ओबीसी सीएम ने ओबीसी लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं कर पाए और 80% बिहार के ओबीसी अब भी 20,000 से कम कमाते हैं। और इस चौंकाने वाले खुलासे पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बिहार में लालू यादव और नीतीश जी को शासन करते हुए 33 वर्षों से ज्यादा का समय गुजर चुका है। आज भी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के 80% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जी रहे हैं। जो सामाजिक न्याय का वादा इन्होंने पिछले 33 वर्षों से करके समाज में शासन करने का काम किया है, आज इनके ही आंकड़े जो हैं वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि इन्होंने कुशासन की लाज बिहार में स्थापित करके रखी थी। नीतीश कुमार जी का और लालू यादव जी के जाने का समय आ चुका है। समाज के तो पिछड़े वर्ग के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग नीतीश कुमार जी से और लालू यादव जी से इस बार अपना बदला लेंगे। बता दें कि अगर हम पिछड़े वर्ग की बात करें तो पिछड़े वर्ग के 33% आबादी जो है उनकी मासिक आय 6,000 से कम है। इसके अलावा 29% आबादी की आय 6 से 10,000 है। वहीं 18% आबादी की मासिक आय 10 से 20,000 है। तो इस 33, 29 और 18% को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार के 80% ओबीसी जो है 20,000 से अब भी कम कमाते हैं और मासिक आय जिसकी 20,000 से कम है उसके लिए समझ जाइए गुजारा करना कितना मुश्किल है। मतलब साफ है कि कुल मिलाकर ओबीसी जो है वो बेशक बिहार में सत्ता पाते रहे, ओबीसी पर सियासत केंद्र से लेकर राज्य की सरकार करती रही, लेकिन जब आर्थिक स्थिति की बात सामने आई तो ओबीसी अब भी कंगाल है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।